बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता पहुंचे और ममता के खिलाफ हल्ला बोला। एनआरसी विवाद पर ममता को चेतावनी के लहजे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनआरसी टीएमसी और कांग्रेस के रोके नहीं रुकेगी। आज कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ममता सरकार के राज में घुसपैठियों को शरण मिल रही है, जबकि 2005 में ममता बनर्जी ने ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ मोर्चा खोला था, क्योंकि तब बांग्लादेशी घुसपैठिए वामपंथी वोट बैंक थे, लेकिन अब वो ममता जी के वोट बैंक बन चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की खस्ता हालत पर अमित शाह ने निशाना साधा और कहा कि हत्याओं पर सरकार की कोई रोकथाम नहीं है या फिर ये सरकार के निशाने पर हो रहे हैं। इससे पहले बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हो सकते हैं और सुझाव दिया कि उनकी पहचान के लिए सीमावर्ती राज्यों में एनआरसी होना चाहिए। वहीं राज्य बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने पहले कहा था कि अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो असम की तर्ज पर एनआरसी का प्रकाशन किया जाएगा। ममता बीजेपी की इस बात पर कड़ा विरोध जता चुकी हैं। अमित शाह ने राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा की 42 सीटों में से 22 पर जीत का लक्ष्य रखा है। बीजेपी एनआरसी का कड़ा विरोध करने के चलते ममता को हिंदू विरोधी नेता के तौर पर पेश करना चाहती है। एनआरसी है आसाम के अंदर से बीएसपी घुसपैठियों को तुम चुन कर चिन्हित कर बाहर निकालने की प्रक्रिया एनआरसी इतनी बड़ी रैली है, लाखों लोग हैं। मुझे बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अलग अलग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी विरोध कर रहे, मगर हमारा कमिटमेंट है असम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया को न्यायिक तरीके से हम समाप्त करेंगे और एक एक घुसपैठिए को चिन्हित कर ही छोड़ेंगे। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, आप क्यों घुसपैठियों को रखना चाहते हैं? यही ममता जी थी, देखते साथ लोग कैसे कैसे बदलते हैं। 2005 में ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देते थे, ममता जी ने लोकसभा सर पे ले ली, लोकसभा के अध्यक्ष पर स्पीकर पर कागज फेंके, लोकसभा बंद करा दी और नारा लगाया बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालो। आज वही बांग्लादेशी घुसपैठिए तृणमूल कांग्रेस की वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए।